और उन बाग बगीचों में मैंने देखा एक ग्रीन एप्पल आया। इस साल जिस तरीके से बारिश हुआ करती थी नहीं हुई, टेम्परेचर बढ़ गया और उस टेम्परेचर से वो ग्रीन एप्पल आया। हम दिल्ली वालों को ये बताना चाहते हैं हम खेती बहुत बेहतरीन करते हैं और ऐसी ऐसी स्प्रे करते हैं, उस एप्पल को भी मारेंगे और वो जो नफरत का बीज बोने वाला है उस पर भी हम स्प्रे करेंगे। और नफरत हमेशा के लिए मारेंगे। वो नफरत क्यों कहलाता है? वो नफरत इसलिए कहलाता है हिंदू मुसलमान करेगा और कुछ करेगा, वो इसलिए करता है कि जो हम खेती करने वाले हैं, जो हम सेब पैदा करने वाले हैं, अगर हमारी एकता हो जाएगी तो उसका बोलबाला खत्म हो जाएगा। अगर हमारे अंदर एकता हो जाएगी तो वो जो लूट घुसूट जुल्म और अत्याचार करता है उसका जो तलवार है वो टूट जाती है। इसलिए वो हमारे बीच में बंटवारा करते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि हमने राजाओं को राज को भी समाप्त किया, हमने फिरंगियों से को भी अपने मुल्क से यहाँ से बेदखल किया। हम जब उनके खिलाफ चुनौती ले सकते हैं, उनके खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं, उनको अगर बेदखल कर सकते हैं तो दिल्ली वालों ये समझ लो आने वाले समय में ये तुम्हारा ये जो राज है जो जुल्म और अत्याचार करता है ये हमेशा के लिए इसका खात्मा होने वाला है, ये बचने वाला नहीं है। मेरा सेब बचेगा, मेरा खेत बचेगा तो मेरा जीवन यापन बच सकता है। लेकिन तुम दिल्ली में बैठ के दलाली करते हो, कैसी दलाली करते हो? अडानी की दलाली करते हो और सिर्फ अडानी और अंबानी की दलाली नहीं करते। जो अडानी अंबानी का मर बाप है, जो अमेरिका में बैठा है उसका नाम सेंटो है, कारगिल है, बड़ी बड़ी कंपनियां है। मोदी साहब ये जो तुम्हारा चेहरा है ये बैंक का हो चुका है, तुम अमेरिका की धरती पर गए और धरती वहां पर अमेरिका की धरती पर जाकर एक ऐसी संधि किए जिसे कश्मीर का से, हिमाचल प्रदेश का से, उत्तराखंड का से का दाम गिर जाए। दाम कैसे गिरे आप पता है? हमने अगर अंग्रेजों को फिरंगियों को इस मुल्क से भाग बेदखल किया, अगर भगत सिंह और भगत सिंह के साथियों ने शहादतें दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, इसलिए चले कि आजाद भारत में हमारा जीवन भी बेहतर चले। लेकिन दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है, 75 साल आजादी के बाद भी देश के अमीर के घर में रोशनी जग गई, लेकिन किसान मजदूर के घर में वो जो छोटा सा चिराग था कभी थोड़ा जलता है, कभी बुझ जाता है, फिर जलता है, ये हालात है। अमेरिका में जाके तुमने क्या किया? जो मेरा सेब था, जो मंडियों में बिकता था, दिल्ली में जाकर बिकता था, जो पारी आता था मेरे सेब का दाम तय करता था, झगड़ा बेसुख होता था उसके साथ, लेकिन बाहर के सेब को तुमने क्या किया? खुली छूट दे दी। वॉशिंगटन से सेब आ रहा है, पहले उस पर कर लगाया जाता था। कितना कर था? अगर 100 रुपए की पेटी अमेरिका की धरती से चला करती थी तो वो पेटी का दाम सीधा कितना हो जाता था? 175 रुपया हो जाता था। हमारा सेब बिक जाता था, जब उसका सेब 100 रुपए का सेब 175 में बिकेगा तो मेरा सेब बिक जाता था। लेकिन तुमने तो गला लगाया किसका? अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को। और क्या किया? जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, जो आयात कर था, उस आयात कर को 75% से गिराकर 50% किया। इसलिए इस वर्ष जो पिछला सीजन बीता हमारा, उस पिछले सीजन में क्या हुआ?
अभी भी हमारा शेर बहुत सा सीएस स्टोर में कश्मीर में पड़ा है, हिमाचल प्रदेश में पड़ा।